भारत के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने ग्राहकों के सुविधा के लिए एयरटेल कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल रोमिंग पैक को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो सिर्फ 133 रुपए से स्टार्ट होते हैं। भारत के अंदर एयरटेल जैसे कंपनी अपने कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई किया है और उसे सॉल्व करने के लिए एक जबरदस्त ऑफर को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल यहाँ पर करते हैं तो आपके लिए ये पर्टिकुलर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आप इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो जो भी देश के अंदर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ के जो लोकल सिम कार्ड आपको लेना पड़ता है और उसका एक प्रोसीजर होते हैं। तो आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनेशनल अगर ट्रैवल करते हैं तो एक बड़ा समय जो है आपके उस जगह का जो सिम कार्ड है वो लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एयरटेल आपका ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसका सॉल्व करने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल इंटरनेशनल रोमिंग पैक को यहाँ पर लॉन्च किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आज के डेट के अंदर जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसका जो प्राइस पॉइंट है वो आपको काफ़ी हाई पे करना होता है। और इसी कारण से जो भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उनका जो लोकल सिम कार्ड है वो यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 7 दिन के लिए कहीं दूसरे देश के अंदर विजिट करने के लिए गए हैं तो एक मेजर टाइम आपको उस देश का जो सिम कार्ड है वो लेने के लिए चले जाते हैं। आपका काफ़ी आईडी वगैरह जो है उसे जमा करवाना होता है, उसके बाद ही आपको सिम कार्ड दिया जाता है और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन एयरटेल का ये कहना है कि अगर आप एक एयरटेल के ग्राहक है वो प्रीपेड हो सकते हैं, पोस्टपेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहीं बाहर जाकर सिम कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमारे नेटवर्क को अगर यूज करते हैं तो हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल इंटरनेशनल रोमिंग पैक को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो डेफिनेटली जो भी देश के अंदर आप विजिट करेंगे वहाँ पर जो लोकल सिम कार्ड है वो लेने के लिए आपका जो खर्चे होंगे उससे काफ़ी कम खर्चों के अंदर हम आपको इंटरनेशनल रोमिंग पैक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। भारत के अंदर जो इंटरनेट और कॉलिंग का रेट है वो दुनिया के अंदर सबसे सस्ता है। आप किसी भी देश के अंदर चले जाओ इतना सस्ता डेटा रेट और इतना ज़्यादा कॉलिंग रेट कहीं देश के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो एयरटेल कंपनी दुनिया के 184 देश के ऊपर अपने इंटरनेशनल रोमिंग पैक को यहाँ पर लॉन्च किया है, मतलब आप दुनिया के अंदर मैक्सिमम देश के अंदर एयरटेल का जो रोमिंग है उसे आप अवेलेबल करवा सकते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एयरटेल कंपनी की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि भारत के अंदर जब आप रहेंगे तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप बाहर कितने दिनों के लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर 7 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 7 दिन के अंदर आप इस देश के अंदर जाएंगे और यहाँ पर से ही आप मेनली जो प्लान है वो एक्टिव यहाँ पर कर सकते हैं। जब उस देश के अंदर पहुँचेंगे तो एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और काफ़ी अफोर्डेबल रेट के अंदर। हालांकि एयरटेल कंपनी की तरफ से बताया गया तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक जो वो 133 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि इसका डिटेल्स जो अभी तक हमारे पास निकल के नहीं आया कि 133 के अंदर आपको क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने मिनट्स का कॉल मिलेंगे, कितना डेटा मिलेंगे, या भारत के अंदर जो पैक को आप यूज़ कर रहे हैं उसी पैक को आप बाहर जाकर भी यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में कोई डिटेल्स यहाँ पर नहीं निकल के आए हैं। एयरटेल कंपनी की तरफ से सिर्फ यही बताया गया कि आप इन फ्लाइट कनेक्टिविटी यहाँ पर पाएंगे, मतलब फ्लाइट के अंदर अगर आप किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएंगे। प्लस आप किसी दूसरे देश के अंदर जाकर वहाँ पर से इंडिया पर कॉल करना या वहाँ पर किसी दोस्त को कॉल करना आप काफ़ी आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एयरटेल अपने कस्टमर्स के जो भी क्वेरीज है उसे यहाँ पर सुना है और उसे सॉल्व करने के लिए मेरे एयरटेल कंपनी की तरफ से कुछ इस तरीके का स्टेप यहाँ पर लिया गया है। उसी के साथ जो कस्टमर केयर नंबर है वो हमेशा 24/7 एक्टिव रहेंगे। अगर आप किसी भी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इशू के अंदर पड़ते हैं तो आप डायरेक्टली एयरटेल के कस्टमर केयर के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसी के साथ एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर आपको हर एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल जाएंगे कि आपको कितना डेटा चाहिए, कितना कॉलिंग चाहिए, पूरा जो डिटेल्स आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगे। देखिए भारत के अंदर इतना सस्ता 4G 5G डेटा अगर यूज करते हैं तो बाहर जाकर डेफिनेटली हमें लग रहा होगा कि भाई कितना ही प्राइस यहां पर होंगे, लेकिन बाहर के देश के अंदर सच में काफी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्राइस आपको पे करना होता है मोबाइल नंबर के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो भारत के अंदर बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। लेकिन उसके बाद भी लोग अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन के जो खर्चा है उसे कम कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को देकर किसी लोकल सिम कार्ड को लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एयरटेल कंपनी की तरफ से इस तरीके का चीज़ बताया गया, उनके एग्जीक्यूटिव की तरफ से यह बताया गया है, एट एयरटेल आवर मिशन इज़ टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड ऑफर ग्रेटर कन्वीनियंस। वी आर हैप्पी टू लॉन्च अफोर्डेबल एंड सिंप्लीफाइड इंटरनेशनल रोमिंग पैक दैट विल एनेबल सिमलेस रोमिंग क्रॉस कस्टमर्स ट्रैवलिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो एयरटेल कंपनी की तरफ से कुछ इस तरीके का चीज यहां पर बताया गया है। आज के डेट के अंदर एयरटेल कंपनी की तरफ से अपने 5G सर्विसेज को भारत के अंदर लॉन्च किया गया है। अगर आप एक 5G हैंडसेट यूज करते हैं और आप एयरटेल कंपनी के अंदर 139 रुपए उससे ऊपर वाला रिचार्ज किए हैं और एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर जगह आप अनलिमिटेड 5G को अगर क्लेम कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको एयरटेल कंपनी की तरफ से आपको ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है अभी के टाइम के अंदर। तो ये काफी बढ़िया सुविधा एयरटेल कंपनी की तरफ से आज के डेट के अंदर दिया जा रहा है और इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी एयरटेल कंपनी की तरफ से काफी जबरदस्त ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ समय लगा तो कैसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।